अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़री किचन। आज हम ज़री किचन में बनाएंगे चिकन रेशमी हांडी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें हम कैसे बनाते हैं अपने घर के अंदर। आज बना रहे थे तो हमने सोचा चले आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये चिकन हमने ली है, 1 किलो चिकन है हमारे पास। इसकी छोटी छोटी बूटियाँ कर ली हैं हमने, और दही हमारे पास 1/2 किलो के करीब दही है, इसको फेंट लिया है हमने। और ये हमारे पास एक क्रीम का पैकेट है, ये काउ चीज़ के स्लाइस हैं हमारे पास। फिर हमारे पास प्याज है, 2 अदद हमने पीस के इसको, इसका पानी जितना निकल सकता था निकाल दिया हमने। और 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, दखनी मिर्च हमारे पास पिसी हुई है ये 1 टीस्पून है। ये हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी 1 टीस्पून है। बटर है हमारे पास 2 टेबल स्पून, और ये नमक हमारे पास 1 टीस्पून है। ये हमारे पास काजू हैं, 20 से 25 अदद काजू ले लिए हमने, ये रोस्ट नहीं है, कच्चे काजू हैं। और हमने हमारे पास ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये इसके अंदर डाल के हम पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हरी मिर्चें हमारे पास हैं बड़ी वाली, ये तेज़ नहीं होती हैं। ये हमारे पास अदरक है और ये हरा धनिया, इसके हम लच्छे काट के डालेंगे इसमें। चलिए इसको मैरिनेट करते हैं चिकन को। ये इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने दही फेंट कर रखा हुआ है, सारा तमाम दही अभी ही डाल देंगे इसके अंदर। जितनी चीज़ें हैं वो मैरिनेशन की चीज़ें हैं, जो हम बाद में डालेंगे वो आपको हाथ के हाथ बताते जाएंगे कि किस किस वक्त कौन सी चीज़ डलेगी। ये जो मसाले हैं सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर मैरिनेशन जो है आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और 2 से 4 घंटे रख सकते हैं, और अगर आपको जल्दी बनाना हो तो वो भी रख सकते हैं आप। ओवरनाइट रखने से ये होता है कि चिकन का फ्लेवर जो है बहुत लजीज हो जाता है। अच्छा, जब हम ओवरनाइट रखेंगे तो हम इसके अंदर फिर क्रीम नहीं मिलाएंगे। क्रीम हम जब भी मिलाएंगे जब हम इसको पकाने के लिए जा रहे होंगे। 10 से 15 मिनट पहले इसको मिला के रख दें आप क्रीम, ओवरनाइट नहीं रखिएगा, क्रीम पानी छोड़ देती है। देखें सारे मसाले हमने इसमें मिला दिए, अब इसे हम छोड़ देंगे कम से कम बस 15-20 मिनट तक तो हम छोड़ेंगे इसको। एक एक बोटी में मसाला मिल जाए इस तरीके से मिलाइएगा इसको। ये हमने हरी मिर्ची रखी हुई थी बड़ी वाली काट के, वो डाल दें इसके अंदर। अब अपने हिसाब से भी इसमें मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने काली मिर्च का भी यूज़ नहीं करा और गर्म मसाले का भी नहीं। ये वापस कढ़ाई ले ली हमने, इसके अंदर डाल देंगे हम ये जो प्याली वहाँ पर छोटी वाली है, एक प्याली तेल लिया है इसके अंदर हमने, और जितना तेल कम, देखें पूरा एक प्याली डाल दिया हमें, कम लग रहा था, चिकन हमारी ज़्यादा है। हल्का सा तेल गर्म होता है तो उसके अंदर हमें पिसी हुई प्याज जो हमने रखी हुई है वो डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें प्याज हमारे पास है, इसका पानी नहीं है इसके अंदर ज़्यादा पानी। ये प्याज प्याज से ज़रा सी ग्रेवी जो है इसकी अच्छी बन जाती है थोड़ी, क्योंकि ये तो बिल्कुल भुनी भुनी सी तैयार होती है कढ़ाई। इस स्टाइल में बना के देखेंगे, आपको बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह, बना के ज़रूर देखिएगा इसको। हम तो इसको सादे नान के साथ अभी सर्व करेंगे, मगर ये कि आप इसको गार्लिक नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ ही आपको बना के दिखाएंगे। आप अपने घर में बना सकती हैं और दांत समेट सकती हैं। ये प्याज को जैसे ही थोड़ी सी कच्चापन ख़त्म होगा प्याज का, तो इसके अंदर हम जो है बटर डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हमने बटर लिया है इसके अंदर। ये डाल दें इसके अंदर, अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दें। गार्लिक नान हमने पहले भी आपको सिखाए थे बनाना, इंशाल्लाह से दोबारा जब कभी हुआ तो फिर आपको बताएंगे ज़रूर। इसके साथ हम सादे नान ही यूज़ कर रहे हैं अभी। ये तमाम जो हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी, यहाँ से हमने 15 मिनट रखी है सिर्फ इसको।
देखिए आज हमने बिल्कुल तेज़ नहीं की हुई इसकी, क्योंकि जो हमने डाली है क्रीम भी है इसके अंदर और दही भी है, तेज़ आंच होगी तो ये क्रीम जो है फट जाएगी और दही दानेदार हो जाएगा, तो ज़रा आंच का ख्याल रखिएगा। ये सब जितना भी उसका मसाला बचा है सब डाल दें इसके अंदर। हमने आज बिल्कुल मीडियम की हुई है इसकी, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है इसके अंदर, थोड़ा सा पकने में थोड़ा भी टाइम लगेगा इसके अंदर। इसको कवर कर देते हैं। देखिए हमने पानी नहीं डाला था, चिकन का अपना पानी रिलीज़ हुआ है इसके अंदर, ये देखें पानी देख रहे हैं आप। इसको चिकन गलने तक और पानी ड्राई होने तक इसको पकाएंगे हम। ये हमने प्याज के लच्छे काट लिए हैं और हम बताना भूल गए थे, इसके अंदर एक अदद हमने शिमला मिर्च भी है वो भी इसको स्लाइस उस लंबे लंबे स्लाइस काट लिए हैं उसके, वो भी नहीं डालेंगे, थोड़ा ठहर के डालेंगे। प्याज डाल दिए इसके अंदर हमने, देखें बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं पकाया हमने इसको, आप आंच देख रहे होंगे किस तरीके से सिलो सिलो पक रहा है। अंदर तक चिकन जो है जूसी बिल्कुल टेंडर हुआ हुआ होगा ये, वही हमने जो क्रीम बची हुई थी वो भी डाल दी है बकिया। अब हम इसके ऊपर देसी घी डालेंगे, हमारे पास देसी घी है 2 टेबल स्पून, बहुत अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। जैसा आपसे कहा हमने कि रेस्टोरेंट स्टाइल में है बिल्कुल, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल की घर में खा रहे हैं बैठ के। शिमला मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हमारे पास काउ चीज़ भी लेंगे, इसमें हम 2 स्लाइसिस के अंदर हम डाल देंगे काउ चीज़ के, इस पॉइंट पे डालिएगा बिल्कुल एंड में, या हम बस वाइंड अप कर देंगे इसको यहाँ से, फिर हम आपको हांडी में निकाल के सर्व करके दिखाएंगे इसको। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, इस तरीके से इसको तमाम चीज़ को इसके अंदर मिक्स कर दें। आज का फिर आपसे कह रहे हैं आज का ध्यान रखिएगा, हमने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला हांडी में, और सिजलिंग ट्रे हमारी बिल्कुल गर्म हो रही है, हमारी हांडी भी गर्म है, क्योंकि अब हम सर्व कर देंगे इसको जाके। कितनी मज़ेदार सी बनी है ये हांडी, बता नहीं सकते कि बहुत लजीज थी। हमने तो खूब दाढ़ समेटी है और समेटते हैं अल्लाह का शुक्र है। आप भी इसको अपने घर में बनाइएगा। ये हमने जो कौन चीज़ है वो भी इसके ऊपर स्लाइस रख दी है, और ये इसके ऊपर हम फॉइल कर देंगे। अब ये दस्तरखान पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए हमने किस तरह बनाई, आप भी बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।